हिंद और नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल, डीएवी नेशनल मेडलिस्ट एंड डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, तो आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल झारखंड रनर बिट्टू में। तो भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता चल गया कि वैकेंसी काफी तेजी से निकल रही है, ठीक है, तो उसी के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपकी वैकेंसी 14 दिन बची हुई है, चाहे कोई भी इंडियन आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, इंडियन नेवी हो, जिसकी फिजिकल है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। जो बंदे वर्कआउट कर रहे हैं तो 14 दिन पहले क्या करना है आपको, मतलब किस तरह से ट्रेनिंग करना है, क्या क्या आपको उस पर टिप्स फॉलो करना है, ठीक है। तो हैरान नहीं होइए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये 3-4 पार्ट में डिवाइड हुआ रहता है, ठीक है। पहला, आप ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं, दूसरा जैसे कि आप किस मात्रा में रेस्ट लेते हैं, और तीसरा किस मात्रा में आप मतलब डाइट ले रहे हैं, ठीक है। ये सारा चीज मैं बताऊंगा, मतलब तीनों का तीनों चीज मैं बताऊंगा। पहले मैं आप सभी को बताऊंगा ट्रेनिंग में आपको क्या क्या करना है और ट्रेनिंग किस तरह से करना है। आपको ट्रेनिंग में क्या करना है, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि वो जैसे कि वर्कआउट अगर कर रहे हैं तो कोई जैसे कि 400 मीटर के 10 रेपिटेशन, 12 रेपिटेशन, वो ऑफ सीजन टाइप का वर्कआउट कर रहे हैं, अपने बॉडी में पूरा लोड ले रहे हैं। जब आपकी वैकेंसी नजदीक बचती है 14 से 7 दिन तक, तो आपको स्पीड वर्कआउट फॉलो करना है। इसमें क्या करना है, जैसे कि आप ऑफ सीजन में 400 मीटर के 10 लगाते थे, ठीक है, इसका टाइमिंग ले लीजिए कुछ 1 मिनट 15 सेकंड कुछ आसपास, लेकिन आपको यहीं पे चेंज कर देना है साहब, 400 मीटर के 4 या 3 लगाना है। ये आपको चीज इसमें फॉलो करना है, मतलब आपको स्पीड वर्कआउट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ओवरलोड ट्रेनिंग, ठीक है। ओवरलोड क्या होता है, जैसे कि कोई बंदे होते हैं कि जैसे मेरी वैकेंसी निकल गई तो उसकी आँख तभी खुलती है, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि बहुत सारा वर्कआउट करने लगते हैं, सुबह भी करते हैं, दोपहर में भी करते हैं, शाम में भी करते हैं। तो भाइयों, एक बात मैं आपको बता दूं, हर एक एथलीट की बॉडी एक तरह नहीं होती है, ठीक, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, ठीक है। तो इसीलिए जब आपकी वैकेंसी नज़दीक बचती है तो आप ओवरलोड ट्रेनिंग ना करें, मतलब ज़्यादा वर्कआउट ना करें, पूरा लोड ले रहे हैं, ना रेस्ट ले रहे हैं, ना रिकवरी ले रहे हैं, बस दिमाग में एक ही बात दौड़ रहा है कि मेरी वैकेंसी है, मैं प्रैक्टिस करूंगा, सुबह करूंगा, दोपहर करूंगा, शाम करूंगा। ऐसा नहीं होता है, जिस तरह से आप कर रहे हैं वर्कआउट को टेक्निकली करें, अच्छे तरह से करें, आपकी परफॉर्मेंस 100% इंक्रीज होगी। तीसरा आते हैं हम लोग, टेक फुल रिकवरी। अब ये रिकवरी क्या होता है, देखिए जब आप स्पीड वर्कआउट करते हैं तो उसमें बंदे क्या करते हैं, जैसे 400 मीटर के 5 लगाने बोल दिए उसके स्पीड वर्कआउट में, या 4 हैं, तो वो क्या करते हैं इसके बीच दौरान में रिकवरी बहुत कम लेते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब आप स्पीड वर्कआउट करते हैं तो आपको मैं हर एक वीडियो में तो अच्छी तरह से बता ही रहा हूं, शायद मैं बताया भी होगा कि अगर आप स्पीड वर्कआउट करते हैं तो उसके बीच में आप अपने फुल रिकवरी लें, एक हार्ट बीट के हिसाब से भी आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, सबकी बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग रहती है, ये हो सकता है। फिर या तो आपकी बॉडी जब तक पूरा रिकवर ना हो जाए, हाँ, आप तैयार ना हो जाए कि हाँ वर्कआउट कर सकते हैं, लगभग एटलीस्ट 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट का रिकवरी आप बीच में ले सकते हैं। तो ये था ट्रेनिंग प्रोसेस जो आपको करना है। अब मैं आप सभी को बताऊंगा डाइट के बारे में। सिंपली भाई, जब आप ट्रेनिंग करते हो तो डाइट आपका होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो डाइट में आपको क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, ठीक है। जितने भी जो फूल फ्रूट्स ये सब में जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या खाना है। लेकिन एक बात बता दूं, जब आप डाइट के बारे में बोलते हो कि भैया डाइट के बारे में वीडियो बनाए, डाइट बनाने के लिए आपकी हाइट, आपकी बॉडी वेट और सभी एज वगैरह सारा चीज़ जब हम जोड़ते हैं तब आप डाइट प्लान बनाया जाती है, ठीक है। हर एक बॉडी की अलग अलग डाइट होती है, ठीक है। तो चलिए मैं अभी आपको सिंपली बता दूं कि जब आपकी वैकेंसी नज़दीक बचती है तो आपको डाइट में क्या क्या लेना है। सिंपली आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के 2 फॉर्म होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या करती है, वो क्विक एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो स्पेशली मैं आपको कहूँगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही लें, क्योंकि स्पीड वर्कआउट जब आप करते हैं तो उसमें अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो आप वर्कआउट सही तरह से नहीं कर पाओगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वो धीरे धीरे आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, जैसे ओट्स हो गया, ये सब हो गया। जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में ओट्स लेते हैं तो वो आपको दिन भर एनर्जी स्लो स्लो प्रोवाइड करते रहेगी, पीनट्स बटर हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या ले सकते हैं आप कार्बोहाइड्रेट में, राइस ले लीजिए, पोटैटो ले लीजिए, ठीक है, और सभी जिसमें इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आती है, कार्ब्स आती है, वो ले सकते हैं। प्रोटीन का इस्तेमाल कम करें, 20-25% प्रोटीन आप ले सकते हैं। प्रोटीन किस में आ गया, अंडा में आ गया, फिर और सभी दूध वगैरह आ गया, जैसे डेरी मिल्क वगैरह हो गया, उसमें प्रोटीन्स वगैरह आती है, ठीक है। इसके बाद आप विटामिन एंड मिनरल्स, जो हरे साग सब्जी होते हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए, विटामिन जो कि बॉडी में पूरा हर एक चीज़ का विटामिन जाए, तो आप मल्टी विटामिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी विटामिन में हर एक तरह का विटामिन आपको मिल जाएगा जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी रहेगी और आपकी परफॉर्मेंस के लिए भी। रेस्ट एंड स्लीप, मतलब आपको सही तरह का रेस्ट लेना है, सही तरह का सोना भी है, ठीक है। जैसे कि सोना आपको कितना देर है, मतलब कम से कम 8 से 10 घंटे सोइए, ठीक है। बहुत सारे एथलीट यहाँ पे क्या करते हैं कि वो सोते ही नहीं है, रात को जैसे 12 बजे सोएं, सुबह 5 बजे उठ के वर्कआउट करने चले गए, तो उससे आपका कुछ नहीं होने वाला भाई, इसी से आप इंजर्ड होते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सोइए, 8 से 10 घंटा सोइए, रेस्ट लीजिए। सो लास्टली मैं कहूंगा इंजरी से बचिए। जैसे कि आपके बॉडी में कहीं पेन वगैरह हो रहा है या इंजरी में आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ को छोड़िए। जब आपका इंजरी अच्छे तरह से ठीक हो जाए तब वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। ज़्यादातर जैसे कि किसी किसी का हैमस्ट्रिंग खिंचा हुआ रहता है, ठीक है, या फिर कोई मसल वगैरह टियर हुआ रहता है, तो उसमें भी वो वर्कआउट करते जाते हैं, तो आपको इससे इंजरी छूटेगी नहीं मेरे भाई, आपकी इंजरी और भी बढ़ेगी। और खासकर जब आपकी वैकेंसी नज़दीक आते जाएगी, जैसे जैसे जितना ज़्यादा लोड दीजिएगा उतनी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए इंजरी वगैरह से बचिए, मोबाइल फ़ोन वगैरह कम यूज कीजिए। तो होप कि आपकी वैकेंसी बहुत नज़दीक आ चुकी है और आप ये समझ भी गए होंगे कि आपको किस तरह से ट्रेनिंग करना है, क्या डाइट में लेना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा। तो होगा तो मैं जल्द एक और वीडियो लाऊंगा, जब आपकी कंपटीशन आती है उससे 1 से 2 दिन पहले क्या करें, क्या क्या चीज़ खाना है, कैसे वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसी चैनल पे मैं जॉब के बारे में भी बताने लगा हूँ, मतलब वैकेंसी कौन कौन से निकल रही है उसकी अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे बंदे प्रैक्टिस करते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, वो सारे करीब करीब 90-95% वो डिफेंस से ही है। इसीलिए मेरा फ़र्ज बनता है कि आप सभी को मैं नोटिस दूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ कि कौन कौन सा जॉब आता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि हाँ जॉब का अपडेट भी आप देते रहिए सर इस मतलब इस चैनल पे, तो आप जरूर कमेंट करना मेरे भाई, और अच्छा अच्छा प्यार देना। ऑल द बेस्ट सभी को, आपकी जो भी आप सोचे हैं, जो भी आपका टारगेट वो हासिल हो, और जरूर अगर आपका फिजिकल निकलता है या फिर आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आती है या फिर आपका सिलेक्शन होता है, तो जरूर कमेंट करना या व्हाट्सएप में करना या फिर पर्सनली मैसेज करना, ठीक है। तो आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और मुझे बहुत गर्व होगा कि आप लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, इतने आगे जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक बंदे तक पहुँच सके और उनको सही नॉलेज मिल सके। बात लास्ट में कहूँगा, काम करो, नाम करो और इस देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।